नमस्कार दोस्तों, हमने प्रीमेच्योर डिलीवरी को लेकर इससे पहले चार वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमने डिलीवरी की समस्या के क्या कारण है, क्या लक्षण है, उनकी जटिलताएं, उससे महिलाओं को क्या क्या परेशानी होती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए कौन कौन से इलाज डॉक्टर आपके साथ करते हैं, इन सब संबंध में बात की। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे किस प्रकार से घरेलू उपायों के द्वारा हम प्रीमेच्योर डिलीवरी को रोक सकते हैं और डॉक्टर प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की सलाह कब देते हैं। ऐसे ही कुछ जरूरी बातें, आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचने के कुछ उपाय हम स्वयं भी कर सकते हैं, कुछ सावधानियां रख सकते हैं, जिससे प्रीमेच्योर डिलीवरी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि किशोरावस्था में किसी भी स्त्री को गर्भवती होने से बचना है। गर्भवती स्त्री को शराब और धूम्रपान का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अधिकतर प्रीमेच्योर डिलीवरी संक्रमण के कारण होती है, प्रमुख रूप से यौन संक्रमण के कारण होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना लगे, अपने आप को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए विशेष ध्यान रखना है। हमें उच्च रक्तचाप की समस्या से बचना है, इसके लिए काफी सारे उपाय हमने दूसरे वीडियोज में बताए हैं। साथ ही साथ हमें मधुमेह की समस्या से भी बचना है, इसको भी लेकर हमने कई सारे वीडियोज दिए हैं। आप इन दोनों बातों का ध्यान रखें, यह बहुत जरूरी है। हमेशा गर्भधारण एक योजना के तहत करें। किसी भी महिला को दो गर्भावस्थाओं के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का अंतर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रेगनेंसी के बाद शरीर को तैयार होने में इतना समय लगता है। गर्भवती होने से पहले महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका वजन नियमित रहे, ना ज्यादा कम होना चाहिए और ना अधिक होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिला को सुबह समय से उठना चाहिए, महिला को रात को समय से सोना चाहिए और समय से ही भोजन करना चाहिए। उसके लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का टाइम निश्चित होना चाहिए, यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में बायो क्लॉक होती है, अगर हम सारा व्यवस्था उसके अनुसार करते हैं तो यह गर्भावस्था के लिए फायदेमंद है। किसी भी गर्भवती स्त्री को अपने भोजन का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसे यह ध्यान रखना है कि उसे आवश्यक पोषण उसके भोजन से प्राप्त होता रहे। उसके भोजन में सभी प्रकार के वह पोषक तत्व जो प्रेगनेंसी के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं वह होने चाहिए, और उनकी मात्रा के विषय में भी आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहता है। महिला को डॉक्टर की सलाह नियमित रूप से लेती रहनी चाहिए, और डॉक्टर जो जो व्यायाम आपको बताए उसके संरक्षण में आपको वह व्यायाम करने चाहिए। यह भी प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए काफी कारगर है। आवश्यकता पड़ने पर महिला को अपने भोजन में सप्लीमेंट का प्रयोग करना चाहिए, इसकी सलाह आपको आपका डॉक्टर देगा। टेस्टिंग के बाद जो जो सप्लीमेंट आपके लिए आवश्यक है वह आपको बताएगा। महिला को प्रेगनेंसी के समय बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना चाहिए, यह प्रीमेच्योर डिलीवरी का प्रमुख कारण होता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की सलाह कब दे सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर महिला को इस बात की सलाह दे सकते हैं कि वह प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए तैयार रहे। जब महिला का रक्तचाप काफी अधिक होता है, अर्थात ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा लगातार बना रहता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो डॉक्टर इस स्थिति में महिला को प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की सलाह दे सकते हैं। वहीं अगर महिला को उच्च मधुमेह की समस्या बन रही है, अर्थात महिला को डायबिटीज की समस्या काफी ज्यादा नजर आ रही है और उसका लेवल बढ़ा हुआ है, तब भी डॉक्टर प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की सलाह दे सकते हैं। अगर महिला के अंदर खून की अत्यधिक कमी है, एनीमिया का लक्षण काफी ज्यादा नजर आ रहा है, तब भी डॉक्टर कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की सलाह दे सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर एनीमिया को दूर करने की कोशिश करते हैं, अगर वह कंट्रोल नहीं हो रही है तब यह सलाह दी जाती है। अगर महिला को किसी संक्रमण ने पकड़ लिया और वह संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है और वह महिला और बच्चे दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो डॉक्टर प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की सलाह दे सकते हैं। अगर महिला किसी कारणवश प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ कमजोर भी होती जा रही है, शुरू के 3 महीने तो महिला को काफी ज्यादा परेशानी रहती है, लेकिन उसके बाद उसकी हेल्थ और उसकी तबीयत स्टेबल होने लगती है। अगर वह नहीं हो रही है, वह कमजोर होती जा रही है और दूसरी समस्या नजर आ रही है, तो डॉक्टर प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।